सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मोबाइल टेक्निकल गुरु में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके ज़रिए आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन पता कर सकते हैं, ट्रेन की सीट जो होती है उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है उससे आप चेक कर सकते हैं, ट्रेन का PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से घर बैठे। दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप मौर्य। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, IRCTC ट्रेन PNR स्टेटस, NTES रेल रनिंग स्टेटस। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट डेटा रहेगा तभी ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब भी एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो बिना इंटरनेट का ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपका जो भी भाषा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है कि ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रनिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करके आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन पता कर सकते हैं। इसके बगल में एक ऑप्शन है PNR स्टेटस का, इससे आप किसी भी टिकट का PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपको सीट पता करना है कि सीट ट्रेन में खाली है कि नहीं, या टिकट बुक करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन जो मेन है मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे रनिंग स्टेटस पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं या जिस ट्रेन का पता करना है उसका, उस ट्रेन का नंबर यहाँ पर टाइप करना है। चलिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये ट्रेन का नाम भी आ गया और यहाँ पे ऑप्शन भी मिल गया क्लिक करने के लिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ परमिशन मांगेगा, अलाव पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट डेटा यदि रहेगा तो यहाँ पे आपको तुरंत सर्च करके दिखा देगा कि ट्रेन किस प्लेटफार्म पे से गुजरी है, कहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुरादाबाद 14:12 पे ये पहुँचेगी, ठीक है। ये कितने नंबर प्लेटफार्म पे आएगी यहाँ भी आप देख सकते हैं, प्लेटफार्म नंबर 1 से ये ट्रेन निकलेगी, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ड्रॉ करके, ठीक है। यहाँ पे आप जिस ट्रेन नंबर को डाल देंगे उसकी यहाँ पे रनिंग स्टेटस दिखा देगा, ठीक है। PNR पे क्लिक करके जो भी आपका PNR नंबर है वो चेक कर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आप जिस ट्रेन का सीट चेक करना चाहते हैं, ट्रेन की बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके, चलिए यहाँ से न्यू दिल्ली पे क्लिक कर देते हैं और गोरखपुर, चलिए यहाँ पे हम GKP डाल देते हैं, ठीक है, GKP जंक्शन। यहाँ पे आप क्या करना है आपको शो पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यदि इंटरनेट डेटा इसमें कनेक्ट है तो यहाँ पे सर्च करके आपको दे देगा, ठीक है, आप देख लीजिए। तो आप यहाँ से जिस ट्रेन में बुकिंग करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके ट्रेन को बुक कर सकते हैं, सीट को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी लिस्ट आ गई, सबका टाइम और डेट यहाँ पे आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। यदि आपको AC बुक करना है, सेकेंड AC बुक करना है, जनरल बुक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से बुक कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए किसी ट्रेन को बुक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये बुकिंग का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेन पे क्लिक करके ट्रेन को आसानी से बुक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो बस आपको समझाने के लिए बनाया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप घर बैठे ट्रेन का पूरा डिटेल्स लोकेशन लाइव लोकेशन निकाल सकते हैं। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।